एआई की दुनिया में एक ऐसे टूल का आविष्कार हो चुका है जो कि हम इंसानों की सोच से परे है। एक ऐसा टूल जो सब कुछ कर सकता है कुछ ही सेकंड्स में। इस टूल का नाम है ह्यूस्टार। ह्यूस्टार या तो हम ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा अचीवमेंट हो सकता है या फिर ये हमारे डाउनफॉल की तरफ सबसे पहला कदम है। अगर सच में ह्यूस्टार का आविष्कार हो चुका है तो हम एजीआई के और भी करीब जा चुके हैं। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ह्यूस्टार टूल एज एन एग्जाम्पल एक आर्टिफिशियल माइंड है जो कि सी सोच और महसूस कर सकता है, यानी इसमें इमोशंस भी मौजूद होते हैं। ह्यूस्टार को एक न्यू बर्न बेबी से कंपेयर किया जा सकता है जो दिन ब दिन ग्रो करता है और नई नई चीजें सीखता है। ह्यूस्टार एक नॉर्मल टूल नहीं है, ये डेटा को स्पंज की तरह एब्सॉर्ब करता है। ये बुक्स आर्टिकल्स और इवन सोशल मीडिया पोस्ट से भी डेटा खींचता है और खुद से भी सीखता है। इन सभी चीजों के साथ ह्यूस्टार सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है लेकिन साथ में अनप्रेडिक्टेबल भी। लॉजिक और रीजनिंग के अलावा ह्यूस्टार इमोशंस को भी समझता है। ये आर्ट क्रिएट कर सकता है, पोएट्री लिख सकता है, म्यूजिक बना सकता है और इवन के पेंटिंग भी कर सकता है। सभी चीजों के साथ ह्यूस्टार एक पावरफुल टूल बन जाता है लेकिन साथ में ये एथिकल क्वेश्चंस भी रेस करता है कि ह्यूस्टार अगर इमोशंस को समझता है तो क्या ह्यूस्टार कॉन्शियस है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि ह्यूस्टार की कैपेबिलिटीज को सुनकर या पढ़कर आप जरूर पूछेंगे। ह्यूस्टार की बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी के समय ह्यूमंस की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्लाइमेट चेंज और डिजीजेस को क्योर करने में ह्यूस्टार बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, लेकिन बेनिफिट्स के साथ ही ह्यूस्टार मैनकाइंड के लिए डेंजर भी है। इसके जरिए ह्यूमंस को मैनिपुलेट और उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है और इसके जरिए वार भी स्टार्ट की जा सकती है। ह्यूस्टार एक गेम चेंजर है। ये ह्यूमैनिटी के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सलूशन है लेकिन साथ में ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने का सबसे बड़ा टूल भी है। हमें बहुत से वाइज डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि ह्यूस्टार को कैसे डिवेलप करें, और अगर ह्यूस्टार डिवेलप हो भी चुका है तो इसे ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स और केवल बेनिफिट्स के लिए ही ट्रांसफॉर्म कैसे करें। क्या हम इतने काबिल है कि हम ह्यूस्टार की डेवलपमेंट को गाइड कर सके अपने बेनिफिट्स के लिए, या फिर हम विक्टिम बनेंगे अपने ही क्रिएशन के। मोए मोरे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।